उपाध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज लखनऊ से। इस वक्त की अहम खबर, आज सुबह 11 बजे पीसी करेंगे अखिलेश यादव। मंगेश यादव के परिवार से मिल चुके हैं अखिलेश यादव और इस सिलसिले में ही वो पीसी करने वाले हैं। एनकाउंटर के मुद्दे पर सरकार को घेरते दिखेंगे आज अखिलेश। बता दें सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होगी, सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश। मंगेश यादव के परिवार से मिल चुके हैं अखिलेश यादव। डीजीपी प्रशांत कुमार को उच्चतम वेतनमान मिलेगा, सीएम योगी ने दिया आदेश। बता दें योगी सरकार ने जारी कर दिया है ये आदेश। 31 जनवरी को कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए थे प्रशांत कुमार, इससे पहले डीएम चौहान को मिला था उच्चतम वेतनमान। मधुमक्खी पालन एवं शहद उत्पादन के लिए चलेगा कार्यक्रम, 90 दिवस का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएगी योगी सरकार। शहद उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है सरकार, 16 सितंबर तक आवेदन की आखिरी तारीख। मधुमक्खी पालन एवं शहद उत्पादन के लिए चलेगा ये कार्यक्रम। बता दें 90 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएगी योगी सरकार। शहद उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है सरकार, 16 सितंबर तक आवेदन की आखिरी तारीख। सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा आज। जी हां, बता दें नाथ मंत और समरस समाज का सम्मेलन होगा और उसमें शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर के आज दौरे पर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी। दिव्यांगजन कैंटीन का भी आज लोकार्पण करने जा रहे हैं सीएम योगी। सीएमओ के बड़े स्तर पर हुए हैं तबादले, लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर। डॉक्टर कौशलेंद्र सिंह सीएमओ बिजनौर बनाए गए हैं। डॉक्टर तरुण पाठक सीएमओ संभल बनाए गए। तरन्नुम राजा को झांसी में दिया गया है बड़ा चार्ज। प्रदेश के 3 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों का कार्य क्षेत्र बदला गया। जी बता दें सीएमओ के बड़े स्तर पर हुए तबादले। यूपीएसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर। बता दें ऑनलाइन गेम ब्लेंगी कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश। एसटीएफ ने गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। यूपी मुख्यमंत्री का चिव बताकर करते थे ठगी। दो मोबाइल फोन, एक आधार कार्ड सहित कई चीजें बरामद की गई है। एसटीएफ ने आरोपी को कमता तिराहे से गिरफ्तार किया है। ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा ने की बैठक लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर। बैठक के दौरान अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते नजर आए हैं। बिजली चोरी पर सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। उपभोक्ताओं की समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए हैं इन्होंने अधिकारियों को। लखनऊ में ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा ने की है बैठक। बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए हैं जरूरी दिशा निर्देश। बिजली चोरी पर सख्ती से निपटने के निर्देश देते नजर आए हैं अधिकारियों को। जेल में बंद तो कैदियों की हुई मौत। बीमारी के चलते लखनऊ जेल में 2 कैदियों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें,
अंगनू रावत और मुकेश सक्सेना की मौत हुई है जेल के अंदर। अंगनू मोहनलालगंज और मुकेश इंदिरानगर में रहता था। जेल में बंद दो कैदियों की मौत का मामला सामने आ रहा है लखनऊ से। बीमारी के चलते लखनऊ जेल में दो कैदियों की मौत हो गई। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद पहुंचे अपने घर। बता दें, जेल से छूटने के बाद अपने आवास पहुंचे केजरीवाल ने। घर पहुंचकर माता पिता का आशीर्वाद लिया और कार्यकर्ताओं में बड़ी ही खुशी देखी गई। बता दें, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर, जेल से छूटने के बाद अपने आवास पहुंचे हैं केजरीवाल, माता पिता का आशीर्वाद लिया है। वही कार्यकर्ताओं में खुशी देखी गई है और कार्यकर्ता इस खुशी में जश्न मनाते दिखे हैं केजरीवाल के कार्यालय और आवास के बाहर। बता दें, जमकर की गई है इस मौके पर आतिशबाजी। सिसोदिया और भगवंत मान ने केजरीवाल का स्वागत किया, उनसे मुलाकात की है। आप कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है कि जेल के टूट गए ताले, कहते हुए सभी कार्यकर्ता यहां पर नजर आए हैं और छूट गए हैं केजरीवाल। बता दें, अरविंद केजरीवाल को मिल गई है जमानत। अनंत चतुर्दशी के दिन मांस की दुकानें रहेंगी बंद। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जैन समुदाय ने सीएम योगी से किया था इस बात का आग्रह। स्लॉटर हाउस और पशु वधशाला भी रहेगी बंद। जैन समुदाय त्योहार पर निकालते हैं जुलूस, जिसको लेकर उन्होंने ये आग्रह किया था सीएम योगी आदित्यनाथ से। अनंत चतुर्दशी के दिन मांस की दुकानें अब बंद रहेंगी। बता दें, जैन समुदाय ने सीएम योगी आदित्यनाथ से इस बात का आग्रह किया था और ये आग्रह सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से पूरा किया गया है, इसे स्वीकार किया गया है। स्लॉटर हाउस और बता दें कि जैन समुदाय त्योहार पर निकालते हैं जुलूस। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, अनंत चतुर्दशी के दिन मांस की दुकानें बंद रहेंगी। जैन समुदाय ने सीएम योगी आदित्यनाथ से किया था इस बात का आग्रह। स्लॉटर हाउस और पशु वधशाला भी रहेगी बंद। जैन समुदाय त्योहार पर निकालते हैं जुलूस। चौकीदार से बदमाशों ने की 25,000 की लूट। लखनऊ की खबर आपको बता दें, लूट के बाद भाग रहे बदमाशों को ग्रामीणों ने दौड़ाया है। लूट का एक बदमाश मौके से फरार तो एक पकड़ा गया है। ग्रामीणों ने पकड़े गए बदमाश की पिटाई कर पुलिस को सौंपा है। निगोहा थाना क्षेत्र स्थित मड़ाखेड़ा मंदिर के पास का ये मामला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दौरा मऊ से इस वक्त की अहम खबर। मऊ दौरे पर रहेंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। सदस्यता अभियान को लेकर करने वाले हैं बैठक। जी हां, बता दें, भूपेंद्र चौधरी का मऊ दौरा, पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ में करेंगे समीक्षा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का मऊ दौरा आज। बता दें, इस दौरे पर रहेंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। देखना यह होगा कि कौन कौन इस दौरे में उनके साथ शामिल हो सकता है। सदस्यता अभियान को लेकर करने वाले हैं बैठक। पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ में करेंगे समीक्षा बैठक। बता दें, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का मऊ दौरा आज। मऊ दौरे पर रहने वाले हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। सदस्यता अभियान को लेकर करेंगे बैठक। राजस्व विभाग के 11,000 पदों पर होगी भर्ती। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, लेखपाल राजस्व निरीक्षक पद पर होगी ये भर्ती।
नायब तहसीलदार लिपि की पद पर होगी भर्ती। सीएम ने प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। जी हां, बता दें इस भर्ती का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दे दिए। आलमबाग के कुक्कल रंगीला होटल में गिरी लिफ्ट। लखनऊ के आलमबाग में लिफ्ट गिरने की खबर सामने आई। तीसरी मंजिल से गिरी होटल की लिफ्ट। हादसे के वक्त लिफ्ट में बर्थडे पार्टी में आए थे मेहमान। दो मेहमानों के पैर में आई है लिफ्ट गिरने से चोट भी। जी हां, बता दें लखनऊ के आलमबाग का ये मामला सामने आ रहा है। एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर दायरे तक पतंग पर रोक लगा दी गई है। लखनऊ से एक अहम खबर, पतंग के साथ लेजर लाइट भी रहेगी रोक। एयरपोर्ट के आसपास टावर के भी जांच के आदेश दिए गए। हवाई अड्डा पर्यावरण प्रबंधन समिति की बैठक में हुआ है ये फैसला। जी हां, एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर दायरे तक पतंग पर अब रोक रहेगी, जिसकी जांच शुरू कर दी गई है। पतंग के साथ ही लेजर लाइटों पर भी रोक रहने वाली है। बिजली चोरी रोकने के लिए चलेगा अब सख्ती से अभियान। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर बता दें, बकाया वसूली के लिए भी चलेगा अभियान। ऊर्जा मंत्री ने समीक्षा बैठक में दिए हैं ये निर्देश। अभियान में विजिलेंस की टीम भी रहने वाली है शामिल। और बिजली को लेकर इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से बता दें, बड़े बकायेदारों से बकाया राशि वसूलने का होगा सख्ती के साथ में अब काम। उपभोक्ता को परेशानी ना हो इसका रखना होगा ध्यान।